नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज इमली की चटनी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इमली चाहिए, और इमली को हम अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटे पानी में भिगो लिए थे पहले से ही, और अभी मैश करके ले लिए हैं। यदि हमें जल्दी हो तो गर्म पानी में डालने से 10-15 मिनट में ही भीग जाती है इमली, तो ऐसा कर सकते हैं। जीरा लिए हैं 1 छोटी चम्मच, और इसमें चाहे तो सौंफ भी ले सकते हैं थोड़ा सा। चीनी 1/2 कटोरी, 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिए हैं। आप चाहे तो चीनी अथवा गुड़ में पका सकते हैं, अथवा दोनों मिला दे तो और टेस्ट अच्छा आता है। अदरक का पाउडर या सौंठ का पाउडर 1 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटी चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 छोटी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कलर अच्छा आएगा चटनी की। और हींग 1 पिंच और 1 बड़े चम्मच तेल। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर एक पैन रख लिए हैं, अब इनमें डाल लेते हैं ये तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इनमें डाल लेते हैं जीरा और हींग 1 पिंच डाले हैं। अब तुरंत इसके ऊपर एक छलनी डालकर ये इमली रखेंगे, और 1 चम्मच की सहायता से इस तरह से चलाते हुए मैश करेंगे तो नीचे पल्प चले जाएंगे और छिलके और बीज ऊपर रह जाएंगे। अब थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से चले जाए पल्प, और हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो देखिए बीज और छिलके ऊपर रह गए हैं, तो निकाल दिए हैं। अब इन्हें चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इनमें उबाल ना आने लगे। तो उबाल आ चुका है, इनमें डाल लेते हैं चीनी। अब इनमें ये शक्कर भी डाल लेते हैं, चाहे तो शक्कर को बारीक तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है, जल्दी से गल जाएगा, इस तरह से तोड़ लेंगे इससे भी। और लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं अभी, और इस तरह से मिला देंगे एक बार ताकि लम्स ना पड़े। और बाकी का मसाले भी इसी तरह से डालकर और चला देंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पर जाएंगे। अदरक पाउडर इन्हें भी मिला देते हैं। अब ये नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक। तो अब ये चटनी गाढ़ी भी होने लगी है, तो इनमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला लेते हैं। और गरम मसाला मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते समय नहीं बताए थे, तो आप इनमें ज़रूर डालिएगा ये गरम मसाला, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और टेस्ट भी। तो देखिए ये चटनी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। और चटनी की कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की है, इसे झटकने के बाद भी एक लेयर है इस पैचुला पर, और ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी चटनी। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है, और बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, देख सकते हैं आप। आप इसे किसी भी चाट के ऊपर अथवा दही बड़े के ऊपर सर्व कर सकते हैं, अथवा पूरी कचौरी के साथ सर्व कर सकते हैं, अथवा अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो आप ये चटनी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।